हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम SYJC का चैप्टर 12 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं. द मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन एनालिसिस. कोई एक मेथड है जिससे हम एनालिसिस करते हैं. बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा निग्लेक्टेड होता है और इसी में से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है, तो ध्यान से पूरा ऑब्जेक्टिव आप समझिएगा. मेथोडिकल क्लासिफिकेशन को एनालिसिस बोलते हैं. नेक्स्ट वन, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आर कैश इक्विवेलेंट. ये इसका राइट आंसर है. कैश इक्विवेलेंट मतलब वो कैश तो नहीं है पर वो कैश के जैसा ही है, मतलब आप जब चाहें उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. एक या दो दिन का टाइम लगेगा. कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज, तो बच्चों ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है. कैश फ्लो का पूरा जो वीडियो है वो अलग से आप देखिएगा. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा थियरी एक्सप्लेनेशन है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए. तो कैश फ्लो में तीन एक्टिविटीज होती है. एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, जिसका मतलब बिजनेस में परचेज सेल का जो एक्टिविटी होता है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं. दूसरा एक्टिविटी होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, परचेज सेल, उसको बोलते हैं कौन सा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. और थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब पैसे बिजनेस के लिए जमा करना और उनको रीपे करना, मतलब शेयर इशू किया, डिबेंचर इशू किया, लोन लिया बैंक से, लोन रीपे किया, शेयर डिबेंचर रीपे किए, तो इन सबको फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं. तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल एक्टिविटी. नेक्स्ट, बिल पेएबल इज अ करंट लायबिलिटी. जनरली द करंट रेशियो शुड बी, अब ये जनरली वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक स्टैंडर्ड रेशियो है. करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रिश्ता. तो ये 2:1 इज द राइट आंसर बच्चों. द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मैंने कितना पैसा लगाया बिजनेस में और उस पैसे पे मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड टू नो, तो क्रेडिटर मतलब कौन, जिनसे हमने गुड्स खरीदे हैं, उनको किस चीज में इंटरेस्ट होगा. उनको हमारे प्रॉफिट वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, उनको यह इंटरेस्ट है कि ड्यू डेट पे हमारा पैसा हमें मिलेगा कि नहीं, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी. नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डैश इन नेचर. तो बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट और बैलेंस शीट, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं. अब मैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पोस्टमार्टम बोलता हूँ. पोस्टमार्टम मतलब, पोस्टमार्टम का क्या मतलब, आदमी जो जाने वाला था गया, है ना, और अभी हम ये ढूंढ रहे हैं कि वो भाई साहब कैसे गए, क्या कारण है उनके जाने का. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं वो जो भी होना है हो गया है, पूरा साल खत्म हो गया है और अभी साल के अंत में हम एक एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या हुआ पूरे साल में. तो इसका राइट आंसर क्या है, आपको अंदाजा आ जाना चाहिए, हिस्टोरिकल इन नेचर, मतलब पास्ट का डिटेल हम एनालिसिस कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली गिव डैश एस्पेक्ट्स आर मेजर्ड. सॉरी, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली डैश एस्पेक्ट्स आर मेजर्ड. तो इसका राइट आंसर है मॉनिटरी एस्पेक्ट्स, मतलब ऐसी चीज जिसको हम मनी में मेजर कर सकें, सिर्फ वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं. करंट रेशियो अभी बताया था आपको, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स. ग्रॉस सेल्स वुड बी रॉन्ग आंसर, नेट सेल मतलब सेल रिटर्न माइनस करने के बाद जो आएगा वो. अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल नंबर शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर इज कॉल्ड व्हाट, रेशियो. रेशियो मतलब रिश्ता दो अकाउंटिंग फिगर्स का. नेक्स्ट, यूजुअली क्विक रेशियो ऑफ 1:1 इज कंसिडर्ड एज अ आइडियल रेशियो. इन कॉमन साइज बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट्स आर 50,000 एंड बैलेंस शीट टोटल इज 1,50,000. फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू टोटल एसेट्स. तो बच्चों डिटेल में अगर जानना है तो जैसे पहले बताया वीडियो है पूरा जिसमें सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है. इसका राइट आंसर आएगा 50,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख इनटू 100 व्हिच इज 33.33%. नेक्स्ट, इफ करंट एसेट्स आर 2,50,000 एंड करंट लायबिलिटीज आर 1,25,000 व्हाट विल बी द करंट रेशियो.
तो इसका राइट आंसर है 2:1। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 2,20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 85 एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 30, फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर माइनस करेंगे तो 1,35,000 इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इफ ऑफिस एक्सपेंस ऑफ टू पीरियड्स, एक साल और दूसरा साल, पहले साल 4,000 खर्चा हुआ, दूसरे साल 5,000 खर्चा हुआ, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना है और परसेंटेज चेंज कितना। एब्सोल्यूट चेंज मतलब मैथमेटिकली 5,000 माइनस 4,000 विच इज 1,000, और परसेंटेज चेंज मतलब 1,000 4,000 का कितना परसेंटेज है। तो इसके राइट आंसर है 1,025%। सिमिलर क्वेश्चन है, सेल्स 1,00,000 का 2,00,000 हो गया, तो एब्सोल्यूट चेंज 1,00,000 है और परसेंटेज चेंज 100% है। इफ क्विक एसेट इज 40,000 एंड क्विक लायबिलिटी इज 10, देन क्विक रेशियो इज 4:1, 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000। एन एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली इज नॉन लिक्विड एसेट, गलत जवाब है, लिक्विड एसेट इसका राइट आंसर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली बैलेंस शीट, नो, हमने पहले बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चों। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ टूल बट नॉट अ रेमेडी। अब ये अंग्रेजी तो समझ ले पहले, एग्जाम्पल अगर हमें बीमारी हुई है तो बीमारी क्या है वो जानने के लिए हमने रिपोर्ट्स करवाए, तो रिपोर्ट्स करवा के क्या बीमारी दूर हो जाएगी? नहीं होगी। तो रिपोर्ट करना ये टूल है ना, बीमारी को दूर भगाने के लिए, रेमेडी नहीं है। रेमेडी का मतलब वो कोई इलाज नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस करेंगे उससे थोड़ा पता चलेगा कि किधर गड़बड़ हो रहा है, और उस गड़बड़ को फिर हमें कुछ एक्शन लेके करेक्ट करना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट वगैरह बढ़ सके। सो इसका आंसर है ट्रू, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो। जैसे पहले बताया कैश फ्लो को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये रॉन्ग है। फिक्स्ड एसेट परचेज करना ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लो होता है। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड ऑन नेट सेल, जाहिर सी बात है जितना सेल बढ़ेगा उतना ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन होता है दोनों के बीच में बच्चों। नेट प्रॉफिट शोज क्विक रेशियो, कोई रिश्ता ही नहीं है, क्या पता कहां से पूछ रहे हैं, फॉल्स ही है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉल्स है, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है भाई, क्या हो रहा है आपके बिजनेस में। रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल फॉर इंटर फर्म कंपेरिजन। बच्चों आप अपने आप को दूसरे किसी से कंपेयर करते हो क्या? करते हो ना, अपने मार्क्स को दूसरे के मार्क्स से कंपेयर करते हो, तो वैसे ही एक कंपनी अपने प्रॉफिट के फिगर को, फिक्स्ड एसेट्स को दूसरी कंपनी से कंपेयर करती है, और वो कंपेयर करने के लिए रेशियो एनालिसिस का टूल यूज करती है। तो क्या आंसर आएगा? ट्रू आएगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट रिक्वायर जर्नल एंट्रीज, एब्सोल्युटली फॉल्स, उसमें कोई जर्नल एंट्री का जरूरत नहीं होता है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आर कैश इक्विवेलेंट, ट्रू। बिल्स पेएबल इज लॉन्ग टर्म लोन, नो, वो तो करंट लायबिलिटी है, हम पहले ही देख चुके हैं। यूजुअली करंट रेशियो शुड बी 3:1, रॉन्ग, 2:1 होना चाहिए। फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड टू नो प्रॉफिट अर्न्ड, अगेन रॉन्ग, दे आर इंटरेस्टेड इन लिक्विडिटी। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट एंड इन्वेस्टमेंट आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रॉन्ग, क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज द राइट आंसर। इफ नेट सेल ऑफ अ फर्म इज 10,00,000 रुपया एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 4,50,000, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 35%, जाहिर सी बात है रॉन्ग है, 45% राइट आंसर है, 4,50,000 डिवाइड बाय 10,00,000 इंटू 100। इफ टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द कंपनी इज 5,00,000 रुपीज, 5,00,000 रुपया हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड हमने कमा लिया है 1,60,000, तो मैं क्या हिसाब लगा रहा हूं, 5,00,000 लगाया और कितना मिला, 1,60,000 मिला, तो जो मिला वो जो इन्वेस्ट किया उसका कितना परसेंटेज है, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो आंसर 32% राइट आंसर है बच्चों, फॉर्मूला है 1,60,000 डिवाइड बाय 5,00,000 इंटू 100। ये था बच्चों हमारा वीडियो ऑन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा,
हमारी चैनल पे हम रेगुलरली अकाउंटिंग के वीडियोस अपलोड करते हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बच्चों हमने अकाउंट्स के 12 चैप्टर के 12 टेस्ट सीरीज बनाए हैं, अब जरूर उस एग्जाम्स को दीजिएगा। इसके लिंक में इसके कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप एग्जाम देंगे तुरंत आंसर मिल जाएंगे और फिर ये वीडियो देख सकते हैं। 12 के 12 चैप्टर के 12 सेपरेट वीडियोस हैं, जिससे आपको गलत हो तो सही क्या है वो पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।